नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आर्मी तैयारी .in में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज़ यहाँ पे सोल्जर ट्रेडमैन, क्लर्क, सोल्जर जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन और साथ में टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। इसी के संदर्भ में आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर आज हम आपके लिए सोल्जर ट्रेडमैन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके आने वाले 31 मई के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर नोट करें। हो सकता है इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। 80 से 90% चांसेज हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, और आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, मोनोजाइट, सोना, ग्रेफाइट या फिर लोह अयस्क। और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो होगा मोनोजाइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, केरल राज्य में जो प्रचुर मात्रा से प्राप्त होने वाला खनिज है वो है मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, शनि, यूरेनस, पृथ्वी और मंगल। और इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे यूरेनस। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा अंतरिक्ष है, यानी कि जो हमारा सौरमंडल है, उसका जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण भारत का नृत्य शैली है, और आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कथकली, कथक, ओडिसी या फिर मणिपुर। और जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे होगा कथकली। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कथकली है वो हमारे दक्षिण भारत का एक नृत्य है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो मणिपुरी है वो मणिपुर में, ओडिसी ओडिशा में यहाँ पे होता है ये नृत्य। और यहाँ पे आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कथक जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, यानी कि ये जो डांस फॉर्म है ये कौन से राज्य से रिलेटेड यानी कि संबंध है। यहाँ पे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी बुक को यहाँ पे खरीद सकते हैं। बुक को खरीदने का लिंक आपको हमारे पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बच्चों, इस बुक के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने को मिलेंगे। 1000 से ज़्यादा MCQ इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। और ये ई बुक है, यानी कि इस PDF के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा MCQ मिलेंगे। और ये बुक का जो खरीदने का लिंक है वो आपको हमारे पहले कमेंट में मिल जाएगा। सिर्फ 40 रुपये की बुक है। अब आइए बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार होता है उसके अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़। और जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होगा 1 करोड़। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार होता है जो हर साल दिया जाता है, उसमें आपको 1 करोड़ की राशि दी जाती है जिनको ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ध्यान देने की बात है, आपसे पूछा गया है किस पर नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, गणित, चिकित्सक या फिर रसायन या फिर अर्थशास्त्र। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गणित। तो यहाँ पे मैथ्स यानी कि गणित में आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी चिकित्सक, रसायन, अर्थशास्त्र, सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्ट ऑफ माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर या फिर विराट कोहली। और जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा युवराज सिंह। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है उसके जो लेखक हैं वो युवराज सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तान्या सचदेवा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात ये है कि तान्या सचदेवा बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस खेल से संबंध रखती हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, गोल्फ, शतरंज, स्नूकर और बॉक्सिंग। और जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा शतरंज यानी कि चेस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो तान्या सचदेवा है वो यहाँ पे शतरंज खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आइडल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं वो है रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, यहाँ पे हर्ष भोगले या फिर MS धोनी। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सुनील गावस्कर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आइडल नामक जो पुस्तक है उसके यहाँ पे जो लेखक है वो है सुनील गावस्कर। आखिरी क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तोता ए इंद, भारत का तोता ए इंद कहा गया है। और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गियासुद्दीन बरनी, रहीम खान खाना, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायजी। और जो सही उत्तर होगा बच्चों वो हो जाएगा अमीर खुसरो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो अमीर खुसरो थे उन्हें तोता ए इंद भी कहा गया है। तो हम आशा करते हैं आपको आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए और उनको भी इसकी सारा ज्ञान मिल पाए। साथ में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।